हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली किचन गार्डन। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं इस महीने का टेरेस गार्डन ओवरव्यू देने वाली हूं। तो जो भी मेरे टेरेस गार्डन में बारिश के दौरान चेंजेस आए हो वो सब मैं आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए, मेरा हर सिंगार का पौधा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन मैंने अभी तक अपने सभी प्लांट को झुंड में ही करके रखा है, क्योंकि इस टाइम हमारे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। हमारी जो अम्मा है उनकी तबीयत खराब है, तो ज़्यादातर टाइम वो सिवाय के साथ बिताती थी, उसकी देखभाल वही करती थी। लेकिन अब जब तबीयत खराब है तो सारा काम मेरे ऊपर आ गया है, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है गार्डनिंग में ओवर काम करने के लिए, जैसे कि ये सब इधर से उधर करें या फिर टेरेस गार्डन की रोज़ रोज़ सफाई करें। बाकी ये जो देखिए, ये चंपा का प्लांट है हमारे यहाँ, इसमें लेट फ्लावरिंग होती है और कंटिन्यू एक महीने से बारिश हो रही है। आज धूप निकला है, तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कभी कभी कि बारिश के दौरान धूप निकल तो जाती है, लेकिन बाद में फिर शाम को बारिश होती है। ये देखिए, कुछ गुलदाउदी के प्लांट है जो कि बड़े हो गए हैं, इन्हें हमें कट करना है। लेकिन देखिए, इस टाइम जो इसकी न्यू ब्रांच है, यहाँ से नरम सी ब्रांच है, अगर इसे एज अ कटिंग लगाया जाए तो बहुत ही आराम से ये सर्वाइव कर जाएंगी। जो नरम ब्रांच होती है, जो पुरानी कड़क ब्रांच होती है, वो सर्वाइव नहीं करती हैं। तो इसे मुझे कट करना है। मैंने बाकी ये देखिए, ये डहेलिया भी बचा हुआ है, डहेलिया जो कि अभी मैं कटिंग के दौरान नहीं लगाऊंगी। अगर आपके पास भी है तो आप इसकी कटिंग ना लगाएं, वरना ये बारिश के टाइम में गल जाता है, क्योंकि इसमें खुद ही इतनी नमी मौजूद होती है इसके ब्रांच में, तो इसकी कटिंग ना लगाएं। दूसरा ये है कि अब चमेली में फ्लावरिंग का टाइम आ गया है, और इसमें देखिए छोटी छोटी कलियाँ भी आपको दिख सकती हैं जो कि ब्रांच के सिरे पर लगती हैं। तो ये कलियाँ आनी स्टार्ट हो गई हैं, हर में छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी कलियाँ हैं। इसमें नहीं पता चल रहा है, पर इसमें पता चल रहा है कि नहीं, अब कलियाँ आ रही हैं, ये देखिए। और चमेली का मेरे पास बहुत ही प्लांट है, ये अगेव का प्लांट जो कि छोटे सपोर्ट में लगा है, लेकिन बारिश की वजह से इसकी भी ग्रोथ थोड़ी सी बढ़ी है। तो अच्छा लगता है ये देखने में, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसमें ये। और यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से अपने चमेली प्लांट को चढ़ा रखा है। फिर यहाँ पे एक चिड़ियों का मटकी वाला, और ये मेरा एक प्लांट, इसमें मैंने मनी प्लांट लगा रखा था, देखते हैं क्या हालत है। तो यहाँ पे देखिए, मनी प्लांट की मैंने कटिंग लगाई थी जो कि चल पड़ी है। ये वाला न्यू पत्ता आया है, न्यू लीव है। और हर सिंगार वगैरह तो ठीक ठाक ही चल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से गई है चमेली का जो ये प्लांट है, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे सर्वाइव हो रहा है। बहुत सारे नए नए पत्ते इसमें निकल रहे हैं। ये है चाइना पाम, ये कॉर्नर आप देख ही सकते हो कुछ इस तरीके से है, जिसपे कि कुछ कटिंग भी है और कुछ मेरे बचे हुए प्लांट्स हैं और कुछ कोलियस हैं। और ये थूजा प्लांट है, यहाँ पे हैंगिंग भी है, मैंने लगा रखा है। एंड यहाँ पे देखिए, सारे के सारे हैं। ये देखिए, एक्जोरा में बीज लगे हैं, देखिए। और यहाँ पे देखिए, ये सारे, इसके ऊपर तो मैं वीडियो बना ही चुकी हूँ। और ये देखिए, इसमें कंटिन्यू फ्लावरिंग हो रही है, देखिए नया कली भी आ रहा है इसमें। और यहाँ पे कोलियस की कुछ वेराइटीज जो कि बारिश के पानी को पाकर बहुत ही अच्छे सर्वाइव कर रही हैं। और ये सारे फ्रेंच मैरीगोल्ड, देखिए कब तक इसमें फ्लावरिंग होती है, हालांकि बड़े तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ये देखिए, ये कोलियस कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और पॉट देखिए, बहुत ही छोटा है, तो प्रून कर देते हैं। देखिए ये नीचे से देखिए, काफ़ी पुराना था, देख ही सकते हैं। तो ये प्रून करने के बाद कुछ इस तरीके से हुआ है। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।